देखिए चलिए तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि दोबारा से एक्सप्रेशन एन एक्सप्रेशन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं। तो एक्सप्रेशन एग्जाम्पल में एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन और एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ठीक है, किसी भी वेरिएबल के टर्म में इस तरीके से एक्सप्रेस की जाए वो सब क्या होंगी, एक्सप्रेशन। एंड इक्वेशन क्या होंगी, जब भी आप एक्सप्रेशंस को जैसे ये वाली आप इक्वेट टू ज़ीरो कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन को भी क्या कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे, इसको भी इस तरीके से क्या कर देंगे, कहने का मतलब एन एक्सप्रेशन इक्वल टू ज़ीरो कॉल्ड एन इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन एक्सप्रेशन में थोड़ा सा फ़र्क है, वो आपको ध्यान देना है। अब क्वाड्रेटिक जब एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करने जा रहे हैं तो हम लोग फिर उससे पहले पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे। एक्सप्रेशंस इन अ टर्म ऑफ वेरिएबल, अभी हमने ये नहीं बोला है कि उसकी पावर कैसी होनी चाहिए, उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए। जैसे कि अगर एक्स की पावर 3/2 प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन तो इट इज़ ऑल्सो एक्सप्रेशन, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब किसी वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस कर देना, ठीक है। पॉलिनोमियल में खासा फ़र्क है, पॉलिनोमियल जब बात कर रहे हैं तो पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो बताया ही कि पॉली का मतलब है मैनी और नोमियल इज व्हाट, टर्म। नोमियल का मतलब क्या है, टर्म, ठीक है, मैनी टर्म्स हो बट उसका एक फॉर्म है। पॉलिनोमियल का क्या है, फॉर्म है कि अगर कोई एफ एक्स को हम अगर एक्सप्रेस कर पाते हैं ए नॉट एक्स की पावर एन, ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू और लास्ट में जाके ए एन, मतलब ये इसलिए ऐसा लिखा गया, इसके ऑर्डर को अगर चेंज भी कर दिया जाए, अभी हम लोग एग्जाम्पल के सारे देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पे पहले ये देख लेते हैं कि ए नॉट ए वन और ए एन ये सारे रियल कांस्टेंट हैं और एन क्या है, होल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो वो भी है और एक्स वेरिएबल है, रियल वेरिएबल। अब ये इतना क्यों यहाँ पे डिफाइन किया गया, अगर हम इसकी बात करें एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन और एक्स क्यूब प्लस वन प्लस टू एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, तो टर्म्स जो है मतलब ये टर्म और ये टर्म ये ऑर्डर में इधर उधर कर दें तो ये पॉलिनोमियल नहीं चेंज हो जाएगी, रहेगी पॉलिनोमियल ही, ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है, दोनों क्या है, पॉलिनोमियल। तो ऑर्डर चेंज करने से ऐसा नहीं पॉलिनोमियल चेंज हो जाती है, पॉलिनोमियल रहती है, बट क्या है, हम लोग ऑर्डर के, ऑर्डर का कहने का मतलब है कि जो टर्म्स हैं और वेरिएबल की जो पावर है तो या तो हम उसके घटते हुए पावर को घटते हुए टर्म में लिखते हैं या बढ़ते हुए पावर को ध्यान रखते हुए। जैसे यहाँ पे एक्स की पावर कितनी थी, थ्री, फिर आगे वाले टर्म में एक्स की पावर कितनी है, टू, फिर यहाँ एक्स की पावर कितनी है, ज़ीरो, यहाँ एक्स एक्स पावर वन और यहाँ एक्स पावर ज़ीरो, तो हमने क्या हुआ, डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा। आप चाहे असेंडिंग ऑर्डर में रखें, ठीक है, वो उसका एक रीज़न है, वो आगे बताएंगे कि ऐसा क्यों करते हैं, उसका भी एक क्या है रीज़न है, वो कैसा क्यों करते हैं। हम लोग डिग्री जब काउंट करते हैं तो हमें पॉलिनोमियल में हो सकता है बहुत सारे टर्म हो, मगर हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये काउंट करना है कि डिग्री कितनी है। तो जब वो अगर असेंडिंग ऑर्डर में होगी तो हाईएस्ट टर्म कहाँ लिखा होगा, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे लास्ट वाला टर्म ही क्या होगा, डिग्री डिसाइड करेगा। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, हाँ, तो डिग्री का बहुत इंपॉर्टेंस है, वो अभी हम लोग आगे देखने वाले, इसीलिए इसी तरीके से लिखा जाता है जैसे कि डिग्री हम आइडेंटिफाई कर पाएँ। अगर वो ऑर्डर, अगर टर्म्स के पावर के अकॉर्डिंग नहीं लिखेंगे असेंडिंग डिसेंडिंग तो बीच में कई टर्म होगा तो हमें ढूंढना क्या है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, हम मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं पॉलिनोमियल को, समझ रहे कि नहीं। हाँ, मगर लिखने से ऑर्डर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। पॉलिनोमियल कब नहीं होगी, जैसे आपने लिखा कि थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू रूट एक्स प्लस वन, आपने लिखा थ्री एक्स की पावर थ्री बाई टू प्लस टू एक्स प्लस वन, आपने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन बाई एक्स, आपने लिखा आई एक्स स्क्वायर
प्लस टू एक्स प्लस वन, आपने लिखा एक्स स्क्वायर, आपने ऐसे भी लिख दिया मान सपोज एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, तो इसको आप बोलेंगे कि एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन, और फिर इसको कट कर देंगे। मगर देखा जाए तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं, तो दीज आर पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? यहां पर x की पावर क्या आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है, ध्यान देने वाली बात है। और यहां पर x की पावर क्या आ रही है, आल्सो फ्रैक्शन में आ रही है। यहां पर x की पावर क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। यहां पर क्या है, जो कांस्टेंट i लिया गया है, i जो कांस्टेंट है एज ए इमेजिनरी यूनिट हो गया, 2i ले ले, 3i ले ले। और यहां पे देखा जाए तो दो पॉलिनोमियल को हमने क्या किया, रेशनलाइज किया है, डिवाइड किया है, तो पॉलिनोमियल हो गया रेशनल एक्सप्रेशन, हो गया क्या, हो गया रेशनल एक्सप्रेशन। जैसे कि नंबर्स में रेशनल नंबर होते हैं, वैसे यहां पे क्या हो गए, रेशनल एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो इनको आप नोट कर लें, आजकल पढ़ना वढ़ना नहीं है, ठीक। तो आगे बढ़े हम लोग, तो पॉलिनोमियल क्या हो गया, समझ जान पाए कि नहीं, गिर गया कहाँ बैग में गिरा। हाँ तो सबको समझ में आ रहा है ना, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन एक बहुत छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत ही देखा जाए बड़ा टॉपिक है। और काफी सारे कॉन्सेप्ट को कवर करता है ये। आई स्क्वायर एक्स, आई स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो हाँ, आई स्क्वायर को अगर देखा जाए तो हाँ, तो जैसे फॉर्म जब लिखेंगे तो उसका उसको माइनस वन मानेंगे तो फिर कैसा हो जाएगा, रियल हो जाएगा वो, ठीक है। उसके फॉर्म को आपने लिखा है, समझे कि नहीं, ओके। जैसे ही बोले ना, बोलते झोली वाले बाबा, तो किसी को आपने क्या बच्चे को डराने के लिए भूत बना के रखा है कि वहाँ जाओगे तो क्या है, भूत है, जबकि वहाँ है नहीं ना वो, जबकि आपको पता है कि वो जाएगा तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, इसलिए आप नहीं डर रहे ना। तो आई स्क्वायर को आपने क्या रूप चेंज करके माइनस वन को आई स्क्वायर लिख दिया है, जबकि अल्टीमेटली है क्या वो, अच्छा ये x माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस वन, ये ठीक है, ये वाला ना। हाँ, जैसे यहाँ पे अभी हमने लिया था x स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन अपॉन x माइनस वन, ठीक है। तो इसको देखा जाए तो इस तरीके से लिखा गया x माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस वन, फिर हमने इसको काट दिया तो ये x माइनस वन आया। अब दो अगर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन की बात की जाए तो ये भी पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, बेसिक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक्स माइनस वन भी पॉलिनोमियल है। तो अब हमने कहा, कहने का मतलब डिस्कशन यहाँ पर था कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, नहीं है पॉलिनोमियल, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पॉलिनोमियल है, ठीक। डिस्कशन इस बात का है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल है, तो मैं ये खुद बोल रहा हूँ कि ये पॉलिनोमियल है। हमने बोला कि जो हमने एक्सप्लेन किया है आपने उसको मिस इंटरप्रेट कर लिया, आपने कहा कि इसको पॉलिनोमियल नहीं मान रहे तो इसका मतलब इसको नहीं मान रहे, जबकि भाई भी बताया है कि इसको मान रहे, तो ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, और ये नहीं है। वो क्यों नहीं है, ये बात अब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। एक्स माइनस वन पॉलिनोमियल इज ए फंक्शन, पॉलिनोमियल क्या है, फंक्शन है, ठीक है, जो x के टर्म में एक्सप्रेस किया गया और जो प्रॉपर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन अभी बताई थी वो फॉलो करें, ठीक है, बट वो क्या है, फंक्शन है। अब इस फंक्शन में अगर हम 1 डालें
फंक्शन में क्या डालें, एफ ऑफ वन करें तो वन माइनस वन क्या आएगा, आउटपुट मिलेगा। अब एक फंक्शन हमने ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन लिया, अब इसमें हमने वन डाला तो यहां पे क्या आएगा, वन माइनस टू टू प्लस वन अपॉन वन माइनस वन, तो जीरो अपॉन जीरो, ठीक है। तो कौन सा इनडिटर्मिनेट बन गया, तो वन पे एग्जिस्ट कर रहा है नहीं, तो ये वन पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और ये वन पे एग्जिस्ट कर रहा है, जीरो आउटपुट दे रहा है, एक एग्जिस्ट वैल्यू है, रियल वैल्यू है ना। तो ये पॉलिनोमियल वही होते हैं जो सारी वैल्यू के लिए क्या करें, एग्जिस्ट करें, मतलब जहां पे बोल दिया गया पॉलिनोमियल है तो मतलब आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, मतलब हर एक्स की वैल्यू के लिए क्या है वो डिफाइंड होगा और एग्जिस्ट करेगा, इन रिटर्न एक रियल वैल्यू देगा, ठीक है। ये कहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, बात समझे कि नहीं। तो ये खासा जो फर्क हमने बताया वो ध्यान दें कि इसीलिए रैशनल एक्सप्रेशन के कैटेगरी में है और ये क्या है, ये क्या है, हाँ मानव आदि मानव, ठीक है, ओके, और गोरिल्ला, हाँ लुक लाइक कैसे क्या है, हाँ बट वो इंसान नहीं है ना, ठीक है। तो ये फर्क है, क्या है, फर्क है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, समझ बात की नहीं। हमने बोला उतना जानिए, हाँ मगर उसको कांच किधर जानिए, क्या जानिए, हाँ उसके बारे में फिर आपको क्या है पूरा लगाओ, कोई पूछे तो आप उसके बारे में बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल दो प्लस दो क्या है चार, उसके ज़्यादा ज़्यादा जाने जनजा इतनी कि आप जान नहीं सकते पूरी दुनिया के सारे नॉलेज के बारे में, जान सकते कोई नहीं, क्यों जाने, तभी इनपरफेक्ट तभी हो जाएंगे, सब कुछ जानने के बाद बहुत सारी चीज़ छूट जाएंगी तब आपको बहुत बुरा लगेगा, है? तो करना क्या है आपको, एक आप दायरा फिक्स करिए कि हमें कितना जानना है, हम कितना जान सकते हैं, उसमें ही क्या करना है एक्सपर्टाइज, क्या करना है, उसकी बात हो तो आपके बारे में, जैसे सर्च इंजन के बारे में बात होती है तो किसकी बात होती है, गूगल, बस यही करना है आपको, ठीक है, ओके, क्या करना है, ठीक। यहाँ पे मॉल जाना है तो किसकी बात करेगा, जेड स्क्वायर, और कोई रेम मोती की बात कर देता तो ये गड़बड़ हो गया, ऑप्शन है उसके पास, एमसी के बात करेगा तो मारुला, ठीक है, ये हमें करना है, बाकी दुनिया क्या मतलब मुझे। तो आपको भी आज एक ही काम करना कि समझे कि नहीं, एक दायरा फिक्स करना है, उसके बारे में जाना जाए तो हमारे बारे में, ठीक है, हैं, तो अगर ये देखा जाए कि जैसे x, किसी ने पूछा था x या 2x, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है, ओके, तो देखिए इसको हम लोग दिखा देते हैं, 0x की पावर 4, 0x की पावर 3, 0x की पावर 2, 0x की पावर 1, 1x की पावर 1 और प्लस 0x की पावर 0। तो ये बताइए ये रियल है, जीरो रियल है कि नहीं, बोलिए, हम पूरे पॉलिनोमियल के डेफिनेशन को सेटिस्फाइड करेंगे, ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन और ए एन, ठीक है। तो हमने इसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर पाया, बिल्कुल एक्सप्रेस कर दिया, फॉर्म ऐसा ही है। अब हम अंदर देखते हैं, पहले हमने क्या देखा, फॉर्म, ठीक है, कभी मोबाइल लेने गए तो वो फॉर्म एक डमी दिखाता कि लुक ऐसा होगा, और बेसिकली वो डमी होती, क्या होती है कि बार बार नया पैकेट आपको खोल के नहीं दिखाएगा, जब आप ऐशो करते हैं हाँ ये वाला सेट हमें क्या है ओके, तब वो देखता कि आप इसके फीचर्स और फंक्शन भी आप चला के देख सकते हैं, ठीक है, पहले तो लुक्स पे देखते हैं ना हम लोग, ठीक। तो यहाँ पर भी क्या है देखा गया, तो ये क्या हो गया, हाँ ये इस फॉर्म को कर रहा है। अब ये जो हमारे हैं वो हमने बोला कि रियल नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो हमारे जो कोफिशेंट्स होते हैं बेसिकली ये क्या वेरिएबल को जो मल्टीप्लायर है वो क्या है, कोफिशेंट्स, तो कोफिशेंट यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ वन, यहाँ जीरो, तो जीरो वन क्या है रियल नंबर है,
हम लोग ने बात की जो टर्म आ रहे हैं उन टर्म की पावर, तो यहाँ पावर कितनी है, 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 0, तो वो भी होल नंबर है। और जो जिसने एक्सप्रेस किया वो एक्स रियल वेरिएबल है कि नहीं, तो ये पॉलीनोमियल हुई कि नहीं। हाँ ओके, पॉलीनोमियल हो गया, यानी एक्स क्या हो गया, पॉलीनोमियल। मगर अब समस्या कहाँ पर आ गई कि कोई बोलता है कि सर यहाँ तक गया, आगे और बढ़ा देंगे, आगे और बढ़ा देंगे, आगे और बढ़ा देंगे, होगा कि नहीं। अगर आपने 4 तक किया तो ऐसे हम कब तक कर जाएंगे, 5 और 6 7 तक किया जाएगा, तो डिग्री फिक्स की गई। क्या फिक्स की गई, तभी आया कि डिग्री। पॉलीनोमियल अगर है तो उसकी पहले डिग्री भी आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है, वो डिग्री क्या होगी। ठीक ओके, तो हम लोग अब किस टर्म की बात करेंगे, डिग्री। ओके, किसकी बात करेंगे, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। मगर बेसिकली डिग्री तभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब वो पॉलीनोमियल हो। कब आइडेंटिफाई कर पाए, डिग्री किसकी निकालने वाले हैं, तो वो पॉलीनोमियल का फॉर्मेट पूरा सेटिस्फाइड कर रहा होगा कि नहीं, मतलब उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, पॉलीनोमियल है। अब जैसे आपने ये देखा तो डिग्री की डेफिनेशन क्या है, हाईएस्ट, हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट, हाईएस्ट अटम, अटम डिसाइड्स द डिग्री ऑफ गिवन पॉलीनोमियल विच हैव हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। अब ये बोल दिया गया, अब जैसे कि देखिए क्या है, ax³ + bx² + cx + d, ठीक है, एक हमने हमने यहाँ पे एक पॉलीनोमियल में ले लिया, क्या ले लिया, ax³ + bx² + cx + d एक पॉलीनोमियल में ले लिया, तो इसमें हाईएस्ट पावर किस टर्म की है, इसकी की इसकी की इसकी की इसकी, बोलिए, हाँ इसकी पावर 3 है। इन सारे टर्म में जो भी टर्म्स यहाँ लिए गए उनमें से सबसे ज़्यादा पावर इसकी तो है, तो डिग्री कितनी होगी, 3, ठीक है। मगर जैसे आपने डिग्री 3 बोला, ये है कॉन्स्टेंट मतलब कोफिशेंट, अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई, ए की वैल्यू क्या हो गई, रियल कॉन्स्टेंट है, 0 भी तो उसमें वो आता है, तो ये 0 हो गई तो ये टर्म वैनिश हो जाएगी, नहीं मतलब ये है ही नहीं, 0 हो गया, तो अब ये डिग्री कितनी रही इसकी। अब देखा जाए तो इस टर्म की हाईएस्ट डिग्री है, मगर इसके बारे में भी नहीं बताया गया, तो ये अगर हो सकता ये 0 हो गया तो डिग्री फिर कितनी हो जाएगी, 1 मानेंगे, ठीक है। तो डिग्री डिसाइड जब भी डिग्री डिसाइड करते हैं जिस टर्म की हाईएस्ट पावर है अगर वो डिसाइड कर रहा है तो उसका कोफिशेंट क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो अगर इस जैसे यहाँ पे हमने लिया ax³ + bx² + cx + d, तो आप इस टर्म की वजह से तो डिग्री डिसाइड कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर कंडीशन लगी जाएगी a नॉन जीरो, क्या हो, बाकी 0 हो जाए, बोलो बाकी 0 हो जाए तो कोई दिक्कत होगी, बोलिए क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, फैक्टर क्या है, एलिमेंट्स, स्टूडेंट्स, हाँ स्टूडेंट नहीं होगा तो कैमरे के सामने भी क्या हो जाएगी, क्लास हो जाएगी, ठीक है, समझे कि नहीं, हैं भाई मारुला यहाँ बंद तो गई है, बैठे उधर, समझे कि नहीं, और तुम्हें कोई ये फर्क दिख रहा है, अभी दिख रहा है, वैसे प्रेयर हो सब कुछ चल रहा है, और भीड़ बढ़ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ax³ + bx² + cx + d, तो यहां पर अगर डिग्री 3 है तो क्या होना चाहिए, हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे आप डिग्री हम डिसाइड करेंगे किसी पॉलीनोमियल की, देखें ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन डॉट 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 ए एन, तो अगर बोला जाएगा इट इज अ पॉलीनोमियल,
तो जैसे ही इसको पॉलिनोमियल बोला गया, ये वर्ड यूज किया गया, इसका मतलब ये सारे क्या है, रियल कांस्टेंट है, एक्स क्या है, रियल वेरिएबल है, और इनकी जो पावर है वो क्या है, होल नंबर है, ठीक है, ऑफ डिग्री, ऑफ डिग्री, तो हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन सा दिख रहा है ये, और इसकी पावर क्या है, एन। मगर आपको लिखना पड़ेगा वेयर ए नॉट नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। जैसे हमने एक्स को एक्सप्रेस किया था, जीरो एक्स की पावर फोर, जीरो एक्स क्यूब और जीरो एक्स स्क्वायर और प्लस वन एक्स प्लस जीरो एक्स पावर जीरो, तो अगर ये टर्म अगर इसकी डिग्री डिसाइड करता है, हाई डिग्री टर्म है कि नहीं, मगर इसका कोफिशियंट क्या हो गया, इसकी डिग्री फोर होगी, इसकी डिग्री थ्री होगी, इसकी डिग्री टू होगी, इसकी डिग्री जीरो होगी, इसकी डिग्री क्या होगी, हाँ तो इसकी डिग्री क्या, इट इज हाफ डिग्री वन, ठीक है, लिख लीजिए इतना। अब जैसे कि बात करते हैं हम लोग कि अभी किसी ने पूछा था कि e की पावर 2x माइनस 2e की पावर x प्लस 1 क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है, पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक, ऐसा आता है ना मन में कि है या नहीं है, मतलब डाउट है या नहीं है, बोलो भाई सबको, किसी को है ऐसा डाउट कि मतलब ये हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये सबको पता है, हाँ। देखिए जैसे कि e की पावर x को हम कैपिटल x मान लें, क्या मान लें, कैपिटल x मान लें, तो यहाँ पर इसको लिखा गया तो e की पावर x का होल स्क्वायर ही तो है ये, और माइनस टू e की पावर x प्लस वन है, अब इसकी जगह क्या रखने वाले हम, टू एक्स प्लस वन, ठीक है। तो अब ये बताइए कि इन टर्म ऑफ x एक्सप्रेस कर दिया गया, पॉलिनोमियल की सारी कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो भी पावर टर्म की वो होल नंबर है कि नहीं, कोफिशियंट जो भी है वो रियल है कि नहीं, x की बात करें तो x रियल वेरिएबल होना चाहिए, तो x नहीं है, x क्या है, e की पावर x, अब e की पावर जो x है वो एक रियल वेरिएबल है या नहीं है, तो जब भी आप इसमें कोई भी चीज़ डालेंगे तो ये इन रिटर्न रियल नंबर देगा कि नहीं, वैल्यू देगा, कहीं भी ऐसा है कि डिफाइंड ना हो, e की पावर x हर जगह क्या होता है, वैल्यू देता है, कहीं भी ऐसा नहीं एग्जिस्ट ना कर रहा हो, बोलो तो ये पॉलिनोमियल है या नहीं। अब जैसे किसी ने ऐसे लिख दिया, उसने कहा कि हर चीज़ को हम एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, हाँ कलाकार है ना सब, तो उसने कहा कि एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और कोई ऐसे हमसे पूछता है कि चलो सर आपने क्या किया, ऐसे करवा दिया, ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, वन अपॉन एक्स माइनस वन को क्या मान लेते हैं, कैपिटल एक्स मान लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, इसको भी तो लिख पाएंगे हम लोग, बोलिए भाई, जब आप दो टॉफियों के एक्स मान सकते हैं, हैं, तो दो भेड़ों को भी हमने क्या सीख लिया फिर, एक्स, सपोजिशन यही सिखाया जाता है, एलजेब्रा में सिखाया जाता है कि हर किसी भी चीज़ को क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, मगर ये कैलकुलस नहीं सिखाती है, वो बाद में आपको क्या करती है, ये सिखाती है कि एक्स मानो बेटा, बेटो कैसा होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, एग्जिस्ट करे। तो यहाँ पर देखिए पॉलिनोमियल का पूरा फॉर्मेट उसने अभी किया, अभी नहीं किया, क्योंकि पहले कांस्टेंट देखें तो क्या है, रियल है, पावर होल नंबर है कि नहीं, बट जो x है वो क्या है, x वो डिफाइन होना चाहिए, x की जगह वन अपॉन एक्स माइनस वन लिया कि नहीं, अब x माइनस वन, वन अपॉन एक्स माइनस वन कहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो x बराबर क्या डालेंगे, वन डालेंगे, तो ये वन अपॉन जीरो हो जाएगा कि नहीं, तो बताइए ये पॉलिनोमियल है, बात समझे कि नहीं, तो अब कोई आपका डाउट रह गया, नहीं रह गया। तो अगर ऐसे बोला जाए कि साइन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री साइन एक्स प्लस टू, तो अब ये देखो पॉलिनोमियल है कि एक्स की जगह वेरिएबल क्या ले रहे हैं हम लोग, साइन एक्स, और साइन एक्स भी क्या होता है, हर जगह डिफाइंड होता है, हर एक्स की वैल्यू हर थीटा के लिए क्या है, डिफाइंड है, तो इसके फैक्टर कर सकते हैं पॉलिनोमियल के कैटेगरी में, पॉलिनोमियल है ये भी पॉलिनोमियल है, बट इसको पॉलिनोमियल की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, हर चीज़ को मतलब एक्स मान के नहीं कर सकते हैं, जो भी एक्स मान रहे हैं तो उसके अंदर जो सपोजिशन किया गया वो भी एक रियल वेरिएबल, रियल वेरिएबल का मतलब है कि वो जो भी एज ए फंक्शन भी है
अगर आप कुछ उसमें कुछ डाल पाएँ तो इन रिटर्न वो क्या दे, वैल्यू दे, रियल वैल्यू दे, और हर जगह वो क्या है डिफाइंड होना चाहिए, क्या होना चाहिए डिफाइंड, ठीक है। जैसे आपने क्या किया कोई भी फंक्शन, हाँ तो अभी तक हम लोगों ने एक्सप्रेशन की बात की, इक्वेशन की बात की, और पॉलीनोमियल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग कि पॉलीनोमियल को किस तरीके से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। पॉलीनोमियल कब होगी और कब नहीं होगी, हिंदी में उसको बहुपद बोलते हैं, क्या बोलते हैं बहुपद, ठीक है। और पॉलीनोमियल की डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट हम है, डिग्री के बारे में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। और लगभग हमने क्या किया, पहचान लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि रूट्स क्या होते हैं, क्या देखने वाले हम लोग रूट्स, ठीक है। बहुत ही बेसिक टर्म है और इसी से सब कुछ आगे बढ़ने वाला है कि व्हाट इज रूट्स, ठीक है। तो रूट्स क्या होते हैं, किसी को पता है रूट्स क्या है, बोलिए। विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन, वो हाथी या घोड़े, द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, अ वेरिएबल लेट्स सी एक्स, क्या हो एक्स मानते अगर, अगर हम क्या मान रहे हैं एक्स, द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई सेटिस्फाइड एन इक्वेशन एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब देखिए एक बात हमने यहां पे अभी जोड़ी थी, पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल का मतलब होता है सिंपली फंक्शन, दैट इज एफ एक्स, और वो एफ एक्स उसी फॉर्म में जो हमने फॉर्म दिया गया था उसी फॉर्म में एक्सप्रेस हो। पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल बेसिकली फंक्शन है, ठीक है। जब भी आप फंक्शन पढ़ेंगे तो जब साइन एक्स कॉस एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथम फंक्शन पढ़ेंगे तो पॉलीनोमियल फंक्शन भी होगा, क्या होगा, और यहीं से शुरुआत ही होती है, ठीक है। और पॉलीनोमियल इक्वेशन, पॉलीनोमियल इक्वेशन भी होते हैं, क्या होते हैं, जब हम पॉलीनोमियल एफ एक्स को किसके बराबर कर दें जीरो तो उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पॉलीनोमियल इक्वेशन, ठीक है। दैट इज द पॉलीनोमियल, किसी पॉलीनोमियल को जब हम इक्वेट टू जीरो करते हैं तो वो क्या बन जाती है, इक्वेशन, क्या बन जाती है, इक्वेशन। अब इक्वेशंस जैसे ली गई यहाँ पर, सपोज एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ठीक, ओके। तो अब यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यूज होगी जो इसको क्या करेंगी, सेटिस्फाई, मतलब ऐसी कोई ऐसी वैल्यू रखें जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए। अब ये साइड क्या है, ज़ीरो है, तो इसको भी क्या बना दे, ज़ीरो बना दे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर वन डालें, क्या रखें एक्स की जगह, एक्स की जगह अगर वन रख दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन माइनस थ्री प्लस टू क्या बन गया, ज़ीरो। अगर हम टू रख दें तो कितना हो जाएगा, फोर माइनस सिक्स प्लस टू, फिर वो भी क्या बन जाएगा, तो ये दोनों क्या हैं इसके, रूट्स है, यही क्या हो गई, ये वैल्यूज़ क्या हो गई, रूट्स जो इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब अगर हम मैथमेटिकली देखें कि एफ एक्स बराबर ज़ीरो है, ठीक है, अगर एक्स की कोई वैल्यू अल्फ़ा, एक्स की वैल्यू क्या, अल्फ़ा इज़ अ रूट, अल्फ़ा इज़ अ रूट, हमने माना कि एक्स की वैल्यू अल्फ़ा जो है वो रूट है, तो क्या इम्प्लाइज करेगा, एफ ऑफ अल्फ़ा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो अगर एफ ऑफ अल्फ़ा ज़ीरो हो गया उस फंक्शन में, एक्स की जगह अल्फ़ा रखने पर वो वैल्यू क्या, वो एक्सप्रेशन ज़ीरो बन जाता है, वो फंक्शन जो दिया गया वो क्या बन जाता है, ज़ीरो बन जाता है, तो वो एक्स की वैल्यू क्या बोली जाएगी, रूट्स, फैक्टर नहीं, क्या बोली जाएगी, रूट्स, क्या बोली जाएगी, रूट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने एग्जांपल में लिया, इसके दो रूट्स हैं, कौन कौन से, एक्स बराबर वन और एक्स बराबर टू, ठीक है, नोट कर लीजिए। अभी दो बातें अभी में थोड़ा कन्फ्यूजन है, फैक्टर और रूट्स, ठीक है, यह बात अभी इन्वॉल्व की गई कि फैक्टर और रूट्स, ठीक है।
इन दो बातों में फ़र्क है। ओके, सारे लोग जानते हैं फैक्टर और रूट्स में अंतर। हाँ, तो और कोई फैक्टर के बारे में, फैक्टर और रूट्स? ठीक है, तो जब कोई, हमने बोला पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल इक्वेशन, ये दो अलग अलग बात है। पॉलिनोमियल इज नॉट इक्वेशन, पॉलिनोमियल इज एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल क्या है? तो हमने कोई पॉलिनोमियल ली, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ठीक है, तो इसको फर्दर हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, कर सकते कि नहीं? बोलो, ये और ये क्या है? ठीक है, फॉर्म चेंज कर दिया गया है, सेम ना। तो यहाँ पर x माइनस वन और x माइनस टू क्या है? फैक्टर है। क्या है ये? फैक्टर है। तो मतलब एक्सप्रेशन को हम फैक्टर के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेशन को किसके? फैक्टर के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब एक्सप्रेशन के फैक्टर होंगे, एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग क्या होंगे? फैक्टर। ठीक, ओके। अब जैसे यहां दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू बराबर जीरो, तो अब इस साइड देखें तो ये एक्सप्रेशन ही तो है भाई। पूरा ये क्या है भाई, ध्यान दें, ये पूरा बॉक्स क्या है? इक्वेशन। ये इक्वेशन है कि नहीं? और इतना पार्ट क्या है? एन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एक्सप्रेशन को हमने फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना सीखा है। ठीक है, अब जब उनके फैक्टर हैं, तो एक फैक्टर एक्स माइनस वन है, एक फैक्टर एक्स माइनस टू है, दोनों के इक्वल टू जीरो कर दोगे तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वन और टू, वो क्या आई? ये वन और टू रूट्स हैं। तो एक्स बराबर वन, एक्स बराबर टू, ये रूट्स हैं, एक्स माइनस वन रूट नहीं है। बात समझे कि नहीं? एक्स माइनस वन रूट नहीं है, एक्स माइनस टू रूट नहीं है। ठीक है, ये ध्यान देनी है, लिख ले। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात समझ में आई ना? टाइम हो गया क्या? अच्छा, क्या हुआ? ये बार बार लगा रहे इसलिए? हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अभी YouTube पे हम लोग आए हैं तो आपने जर्नी देखी नहीं इसकी। ठीक है, हम लोग ये वीडियो बनाएंगे कि मतलब थोड़ा ये अभी और लेवल पहुँचे, फिर हम लोग शुरुआत दिखाएंगे कि मतलब एक बायोपिक कि YouTube की वीडियो बनने कैसे शुरू हुए, समझे? हाँ, यहीं पे, यहाँ पे किताब रखी जाती थी बहुत सारी, उसके बीच में डंडी फंसा से थे और डंडी फंसा के उसमें एक मोबाइल लगाया जाता था। हम बहुत तेज़ बोलते थे जब, तो ये माइक भी नहीं था, समझे नहीं, DSLR भी नहीं था, ये एक 7-8 हज़ार रुपये वाला मोबाइल्स बनाया जाता था। ठीक, समझे कि नहीं? अब ये YouTube मावला क्लासेस, YouTube पैसे कमाने लगा है, डॉलर कमाता है, समझे? तुम अगर देखती हो अगर 10 मिनट, तो मावला क्लासेस के अकाउंट में कुछ डॉलर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, मगर तुम साले देखते ही नहीं हो। क्यों हो डॉलर ट्रांसफ़र ना? हाँ, चलो कोई बात नहीं। तो रूट्स और फैक्टर, फ़र्क समझ में आया कि नहीं आया? बोले, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं कि डिग्री, हम लोग डिग्री और अगर डिग्री ज़ीरो हुई, डिग्री ज़ीरो हुई, तो जैसे सपोज सी के टू, तो ये सब क्या कांस्टेंट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट। ठीक है, डिग्री वन हुई तो क्या होगा? जैसे कि एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस सी, एक्स एक्स माइनस वन, सभी क्या हो जाएंगे? लीनियर। क्या हो जाएंगे? लीनियर एक्सप्रेशन। तो जिनकी भी डिग्री वन होती है, वो सारे पॉलिनोमियल में जिनकी डिग्री वन होती है उनको क्या बोलेंगे? लीनियर। क्या बोलेंगे? लीनियर एक्सप्रेशन। जिनकी डिग्री जीरो होगी वो
कांस्टेंट, तो जो भी कांस्टेंट है वो डिग्री जीरो के पॉलीनोमियल बन सकते हैं, ठीक है। जितने भी कांस्टेंट आप उनको क्या बोल सकते हैं, जीरो डिग्री के पॉलीनोमियल, समझे कि नहीं। जो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन है तो उसको स्ट्रेट लाइन को एज ए फंक्शन जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो क्या बन जाती है, लीनियर एक्सप्रेशन, क्या बन जाती है। अब डिग्री टू है, क्या है, तो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन, ठीक है, ये सब कैसी हो गई, क्वाड्रेटिक, क्या हो गई, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ओके। तो टू डिग्री वाली क्या होगी, क्वाड्रेटिक है, तो पॉलिनोमियल का पार्ट है क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल का क्या है, पार्ट, और वो पार्ट जिसकी डिग्री क्या है, टू है, ठीक है, ओके। तो मेनली बेसिकली क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं कि पॉलिनोमियल, हाँ बेसिकली हम लोग किस बात पे बात करेंगे, क्योंकि हमने लिखा था अ क्वाड्रेटिक एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन का मतलब है कि पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल के अलावा भी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, ऐसी एक्सप्रेशन जो पॉलिनोमियल नहीं भी हो, बात समझे कि नहीं। तो टॉपिक का नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन, हाँ, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भी जानना है, पॉलिनोमियल के बारे में जानना है, और एक्सप्रेशंस के बारे में भी जानना है। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में खासा थोड़ा फर्क होता है, ठीक है, इसे यहाँ पे अभी बता देते हैं। जैसे कोई एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन को ज़ीरो कर दिया गया, एक्सप्रेशन को क्या कर दिया गया, ज़ीरो कर दिया गया, ठीक है, तो वो इक्वेशन बन जाएगी, क्या बन जाएगी, इक्वेशन। अब इक्वेशन जो एक्सप्रेशन है, जरूरी है वो पॉलिनोमियल हो, बोलो जरूरी है कि पॉलिनोमियल हो, जैसे कि रूट एक्स माइनस वन बराबर जीरो, तो ये पार्ट पॉलिनोमियल है या नहीं, बोलो नॉट पॉलिनोमियल, नॉन पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, नहीं है, फिर भी इसको जीरो किया गया तो ये क्या इक्वेशन है, है? तो यहाँ पे कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाइड करेगी, इस इक्वेशन को कोई वैल्यू सेटिस्फाइड करेगी, क्या करेगी, वन, तो एक्स बराबर वन इसको सेटिस्फाइड करेगी, तो ये इसका सोल्यूशन है, क्या है, हाँ, तो इक्वेशन के सोल्यूशन होते हैं, क्या होते हैं, रूट्स नहीं बोलते फिर उसको, उसको क्या नहीं बोलते, रूट्स, वो क्या होंगे, सोल्यूशन। पॉलिनोमियल के करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन बनेगी, जैसे यहाँ पर पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन है बराबर जीरो, तो एक पॉलिनोमियल है तो इसको जीरो किया इक्वेशन बनी, तो अब यहाँ एक्स बराबर वन इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो ये इसके क्या है, ठीक है, हुँ? तो एक्सप्रेशन के हम लोग सोल्यूशन देखेंगे, क्या देखेंगे, हाँ, और जो पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी उनके क्या ढूंढेंगे हम लोग, रूट्स, ठीक है, रूट्स के में पॉलिनोमियल के करस्पॉन्डिंग रूट्स कितने होते हैं, जा सकती कितने होते हैं, वो उनकी डिग्री पर डिसाइड करते हैं, कितने डिग्री डिसाइड करते हैं, वो आगे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी हमने बात की, डिग्री ज़ीरो हो तो क्या बोलेंगे, डिग्री वन हो तो क्या बोलेंगे, डिग्री टू हो तो क्या बोलेंगे, डिग्री थ्री हो तो थ्री डिग्री के लिए क्या, एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ऐसे बोलेंगे, नहीं, इसको बोलेंगे क्यूबिक, क्या बोलेंगे, क्यूबिक एक्सप्रेशन। डिग्री फोर हो, एक्स पावर फोर प्लस वन, एक्स पावर फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, और एक्स की पावर फोर ही बोल दे तब भी, ठीक है, हमने बोला कि ये सारे क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, अब इसको बोलेंगे, हाँ, क्वाड्रेटिक का दो गुना, तो बाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, समझते कि नहीं, ये भी गिनती है, किसमें, बोलो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं, रोमन वर्ड्स हैं, कैसे हैं ये, बोलो कौन से वर्ड हैं, बताइए, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है, वाई क्वाड्रेटिक, डिग्री फोर, ठीक है, इससे ऊपर अगर जब आएंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग मोर, तो उन सबको हम लोग पॉलिनोमियल पुकारेंगे, क्या पुकारेंगे, हाँ,
उनको इस नाम से पुकार के, दीज आर द पॉलीनोमियल्स कैटेगरी में, जिनके नाम हमें पता है तो हम उनके, हमने बोला कि जिसको आप नाम से जानते हैं तो आप तुम या यू करके बोलोगे उसके नाम से, बेटर क्या है नाम से ही पुकारिए, और जिसको नहीं पता है तो उसको क्या एड्रेस करते हैं, आप या तुम। तो जब भी ये जिसका हमें इन डिग्रीज के क्या है एक पर्टिकुलर नाम है तो उनको पर्टिकुलर नाम से स्पेसिफाई किया जाएगा। इनके भी अगर नाम रखे जाएंगे बट इतने ज़्यादा हम लोग आगे तक जाते नहीं हैं तो बाद में हम लोग क्या बोल देते हैं कि चार डिग्री से ऊपर के बारे में क्या बोल देंगे, हाँ बुक्स में कभी भी लिखा होगा तो पॉलीनोमियल्स का कंसीडर आप पॉलीनोमियल, ठीक है, तो उसकी डिग्री टू भी हो सकती है, डिग्री थ्री भी हो सकती है, मोर देन फोर भी हो सकती है, ठीक, बात समझ में आई इतनी, इतना कंप्लीट हो गया, ठीक आ रहा है तुम्हें, कम आ रहा है, ज़्यादा, ठीक। तुम्हें क्या नाम तुम्हारा, राहुल, कहाँ, नोएडा, अच्छा नोएडा में पढ़े हो, छोटे से, अच्छा चलो पढ़ना है यहाँ पे, वहाँ पे तो लोग बीसी इसलिए कर देते हैं कि अच्छी शादी हो जाए, फॉर्चुनर मिल जाएगी, आ चुके हैं एक दो लोग यहाँ पढ़ने, बताते हैं कि वहाँ जाट लोग होते हैं सब, हैं हाँ वो इसीलिए पढ़ते हैं, ठीक है, अपनी स्कॉर्पियो में वो क्या है चारा भर लाते हैं और क्या है, हाँ ठीक है, चलिए। तो अभी तक हमें इतनी बातें समझ आई कि नहीं आई, बोलो भाई, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, बोलो भाई, सबसे पहले एक्सप्रेशन देखिए क्या देखा गया, हाँ तो आपको जब भी इस टॉपिक के बारे में ध्यान देना है तो आपको ध्यान देना है एक्सप्रेशन क्या होती है, उसके बाद इक्वेशन के बारे में बोला गया, क्या बोला गया, इक्वेशंस क्या होती हैं, उसके बाद पॉलीनोमियल, इक्वेशन नहीं पॉलीनोमियल, इक्वेशन नहीं क्या पॉलीनोमियल, ठीक है पॉलीनोमियल, उसके बाद हाँ समझे कि नहीं भाई, पहले घर आया कि आदमी, हाँ जब अच्छा आपको पता चला आदमी आएंगे तभी तो घर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जहाँ भी इंसान होंगे, जहाँ भी रिहैबिलेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ तो उनको बसाने के लिए जब दोबारा बसाया जाता है तो वहाँ पर टेंट सबकी व्यवस्था की जाती है, टेंट फिर क्या, फिर भूख लगेगी तो खाना, ठीक है, तो रोटी कपड़ा और हाँ ये बेसिक टर्म है, क्या है, हाँ सबसे पहले आदमी इनकी तलाश था, फिर उसके पास पढ़ता है, क्या करता है, तो आप पढ़ रहे हैं तो मतलब इसका मतलब ये सब चीज़ें आपके पास हैं या नहीं है, हैं, ठीक है, इसके बाद पढ़ने की सोचता है, ठीक है, ओके, तो यहाँ पर भी क्या है, एक्सप्रेशन इक्वेशन, देन आफ्टर दैट एक्सप्रेशन का एक पार्ट पॉलीनोमियल, वो भी एक्सप्रेशन है बट एक उसका एक फॉर्म है, ठीक है, उसको हमने बताया था, फिर उसकी डिग्री डिफाइन करनी है, ठीक है, ओके, फैमिली, फिर फैमिली का सर नेम होता कि नहीं, हाँ तो ऐसे फिर डिग्री, डिग्री का एक इम्पॉर्टेंस है, फिर हम देखा रूट्स, क्या देखा, रूट्स देखा, सॉल्यूशन देखे, तो कई कभी कभी ये बोलेगा कि इसके कितने सॉल्यूशंस हैं, तो सॉल्यूशन मतलब जरूरी नहीं कि वो क्या हो, पॉलीनोमियल हो, क्वाड्रेटिक हो, बाई क्वाड्रेटिक जरूरी नहीं है, ठीक है, एक्सप्रेशंस को, कोई भी एक्सप्रेशन को आपने क्या कर दिया, ज़ीरो कर दिया, बंद हो गया क्या ये, चल रहा है, हाँ एक्सप्रेशन को ज़ीरो कर दिया, क्या तुम लोग वहाँ पढ़ रहे हो, सही, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा रहे हैं, हाँ ठीक है, हाँ उस पर नहीं पढ़ते, मतलब डेटा बचाते हो, ठीक, तो समझ में नहीं आता क्या, किसने लोग, कितने लोगों ने पढ़ा है, कुछ लोग ये नहीं जानते कि कैसे पढ़ें, माय गॉड, मतलब हम जान नहीं पाए, बोल रहे कि कैसे पढ़ेंगे, तो उसके लिए भी वीडियो बनाना पड़ेगा, मज़ा नहीं आता, आ जाएगा, आज रियल वाला चल रहा है ना, आज हम कटवाएंगे नहीं, इसे डालवा देंगे ना,
आप बोले कि कोई एडिट ना करो ऐसे डाल दो, जहाँ भी साले वाले बोल रहे हो आने दो उसको, है ये सारे एक वीडियो रियल वाला है, ठीक है देखते क्या हो रहा है। ठीक हाँ देखें, तो हम लोग अभी ये देख चुके हैं कि डिग्री जीरो होगी तो उसको क्या बोलेंगे, देखा कि नहीं, डिग्री जीरो वाले को, डिग्री वन वाले को, डिग्री टू वाले को, डिग्री थ्री वाले को, डिग्री फोर वाले को और मोर देन फोर पॉलिनोमियल तो सभी को बोल सकते हैं। ठीक है आप देखते हैं कि रूट्स के बारे में फिर से हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स ये हम लोग देख चुके थे कि रूट्स क्या होते हैं, वो वैल्यूज जो उसको सेटिस्फाइड करें वो रूट्स होंगी, पर होंगे कितने हमें कितना पता करना है कि कितने होंगे, नंबर ऑफ रूट्स। ठीक है तो नंबर ऑफ रूट्स कैसे पता चला, पता करेंगे है डिग्री, डिग्री से क्या होगा, डिग्री तो पता चल चुकी है हम लोग, डिग्री तो जानते ही हैं, अब डिग्री वाले डिफाइन नहीं करेंगे। हाँ डिग्री डिसाइड्स रूट्स, ठीक है डिग्री, वेरी गुड दिव्या, डिग्री डिसाइड्स द नंबर ऑफ रूट्स। कहने का मतलब जितने डिग्री की पॉलीनोमियल होगी उतने ही रूट्स होंगे, तो क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स होंगे बोलिए, टू रूट्स, क्यूबिक के थ्री रूट्स, तो बाई क्वाड्रेटिक, तो जितने डिग्री की पॉलीनोमियल इक्वेशन उतने ही रूट्स होंगे। ठीक है ये ध्यान रखिए कि जित अगर क्वाड्रेटिक है उसके कितने रूट्स होंगे, चार दो। ठीक जैसे कि एग्जांपल हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो लिया जाए, तो आप जानते हैं कि इसको सिंपली हम लोग एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसके रूट्स क्या, एक्स बराबर टू और थ्री हो गए, नहीं हुए बताइए, ये हो गए। अब एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन बराबर जीरो करें तो इसको एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है तो देखा जाए कौन सी वैल्यू सेटिस्फाइड कर रही है, मगर बेसिकली है तो ये ना, तो रिपीटेड है, क्या है, वन को दो बार काउंट किया जा रहा है, कितना किया जा रहा है, वन और वन, इसके रूट्स क्या है, वन कामा वन, अभी भी दो है बट वो इक्वल हो गए, क्या हो गए इक्वल। जैसे कि आप राम सिंह को ढूंढ रहे हैं, किसको ढूंढ रहे हैं, राम सिंह को, गांव में ढूंढने गए, ठीक है, और वहाँ पर उसका नाम पप्पू है, तो बेसिकली डेटा कितने लोगों का है, दो लोगों का कि एक लोगों का, एक लोगों का, और नेम कितने हैं, दो हैं, तो पहले ऐसा ही हुआ करता था, जब से आधार कार्ड बन गया अब क्या है, एक पर्सन के लिए एक आइडेंटिटी। ठीक है पहले क्या पॉपुलेशन काउंट नहीं हो पाते कि कुछ लोग दो या तीन या चार नाम से भी क्या है इनरोल कराए बैठे हैं। ठीक है तो ऐसे ही होता है यहाँ पर भी, ओके आप देखें जैसे ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर जीरो, तो अब हमने हमें क्या पता करना है, हम क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ पे रूट्स, क्या ढूंढ रहे हैं भाई, हाँ हमने बोला कि जब भी कोई चीज़ प्रॉब्लम आती है तो हम कर क्या रहे, हमें ये पता होना चाहिए, बोलिए दिमाग में आए रूट्स, अब रूट्स होते क्या हैं रिमाइंड करिए, वो एक्स की वैल्यू जो इक्वेशन को क्या करें सेटिस्फाइड करें। अब एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर जीरो में अगर आप कोई पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं और पॉजिटिव का स्क्वायर कर दिया गया, हाँ तो महा पॉजिटिव बनेगा वो, या जीरो बन जाएगा, और उसमें प्लस वन जोड़ दें तो वो अब वो जीरो नहीं होने वाला है, जीरो का भी स्क्वायर करेंगे तो जीरो प्लस वन तो अब जीरो नहीं होने वाला है, बोलिए तो कोई रियल वैल्यू उसको यहाँ पे सेटिस्फाइड करेगी, जीरो भी रख दें तो जीरो का स्क्वायर जीरो प्लस वन वो भी नहीं बनेगा, निगेटिव कर दें तो माइनस वन का स्क्वायर वन और वन प्लस वन तो वो भी जीरो नहीं होगा, तो ऐसी कोई रियल वैल्यू इसको सेटिस्फाइड करेगी, प्रैक्टिकली हमने ऐसी एग्जाम्पल इसलिए लिया कि आप इसको एनालाइज कर पाएं, क्योंकि किसी का स्क्वायर करके इसमें वन जोड़ने पर वो जीरो नहीं होगा, तो ये रियलिटी में पॉसिबल है
उसने बोला कि मेरे पास कुछ टॉफियां हैं और उसमें एक टॉफी और मुझे दे दी गई और नंबर ऑफ टॉफी जीरो हो गई। उसने बोला, एक बच्चे ने बोला कि देखो मेरे पास पता है कुछ टॉफियां थी, एक टॉफी और मुझे मिल गई, अब वो टॉफी क्या हो गई, जीरो। तो भूत खा गया। तो ऐसा हो सकता है रियलिटी में? रियलिटी नहीं हो सकता। तो अब ये, अब ऐसी ऐसे इक्वेशंस के रूट्स रियल तो होंगे नहीं, मगर रूट्स कितने बताए गए वो भी जिद्दी हैं कि डिग्री कितनी है, टू, तो वो होंगे दो। अब वास्तविकता में ऐसे हैं तो अब क्या होंगे, इमेजिनरी। क्या होंगे? इमेजिनरी यूनिट इसको सेटिस्फाइड करेंगे। अब कोई ऐसी वैल्यू जो इमेजिनरी है, कैसी है, इमेजिनरी, ठीक समझ में आई? तो रूट्स क्या हो सकते हैं, रियल और इमेजिनरी। तो यहाँ पर हमने लिखा था कि रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स तो डिसाइड्स, तो यहाँ पर डिग्री डिसाइड्स द नंबर ऑफ रूट्स, मतलब जितने डिग्री की इक्वेशन होगी उतने रूट्स होंगे। अब यहाँ पे एक बात जोड़ दें, वेदर रियल और इमेजिनरी, मतलब चाहे वो रियल हो या तो इमेजिनरी हो, मगर काउंटिंग में रियल इमेजिनरी बना के उतने डिग्री के नंबर आप काउंटिंग बनाएंगे। वो अगर रियल नहीं मिल पाए तो फिर कौन काउंटिंग भरेगा, इमेजिनरी, समझे कि नहीं? मगर काउंटिंग में उतने होंगे, तो वास्तविकता में रियल में आपने नहीं ढूंढ पाए तो इसका मतलब वो क्या है, इमेजिनरी यूनिट उसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0 लिया, तो इन सारे जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0 लें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 लें, इन सबके इक्वेशंस के रूट्स आपको क्या मिलने वाले हैं, इमेजिनरी, ठीक है। अब जैसे इसको ऐसे भी देखें, एक्स स्क्वायर और हम माइनस 4, तो ये बताइए रियलिटी में